नेक्स्ट है फिल्टर सर्किट्स। अब जैसा कि हमने अभी रेक्टिफिकेशन में देखा कि हमने नेगेटिव साइकिल्स को खत्म कर दिया, राइट, और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स बाहर आए आउटपुट। फुल वेव रेक्टिफायर बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, पर कभी कभी क्या होता है कि एक कांस्टेंट सप्लाई बाहर आ रही थी और कांस्टेंट सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशन हो गई और कांस्टेंट सप्लाई चेंज हो गई। अब कांस्टेंट सप्लाई जो रेक्टिफिकेशन से मिलेगी उसकी मान लो पीछे से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मान लो साइकिल्स आ गए उसमें और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो गई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई। और एक होता है फ्रीक्वेंसी लो हो गई, फ्रीक्वेंसी लो का मतलब है साइकिल्स, बड़े बड़े साइकिल्स मतलब पर सेकेंड कम नंबर ऑफ साइकिल्स क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब फ्लक्चुएटिंग इनपुट आ रहा है, कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी का भी आ रहा है और लो फ्रीक्वेंसी का भी आ रहा है, इमेजिन कर लें। अब हमारा जो डिवाइस है, जो आउटपुट डिवाइस है, मान लो कोई लैपटॉप है या मान लो कोई भी एलईडी है या कोई भी प्रोजेक्टर, कुछ भी जो डीसी के ऊपर चलता है, ये अगर हल्का सा भी आप फ्लक्चुएशन से पास करोगे तो डिवाइस खराब हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर के बने हुए डिवाइसेस और हल्की सी वोल्टेज, हल्की सी बायसिंग आपके किसी भी इक्विपमेंट को खराब कर सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस फ्लक्चुएशन को आप रिमूव करना चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन ना हो, इसके लिए क्या लगेंगे, फिल्टर, नाम से ही पता लग रहा है फिल्टर। तो फिल्टर क्या करेगा, द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जंक्शन डायोड रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल। हमने माना कि यूनिडायरेक्शनल है आउटपुट, रेक्टिफिकेशन के बाद एक ही डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह लेफ्ट और राइट नहीं है बट पल्सेटिंग है, आपने देखा उसमें पल्सिस थी, चाहे पॉजिटिव पल्सिस थी पर पल्सिस थी। अब ये पल्सिस की फ्रीक्वेंसी पीछे से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये आपके हाथ में नहीं है। सच अ सिग्नल कैन बी कंसिडर्ड एज अ सम ऑफ अ डीसी सिग्नल सुपर इम्पोज्ड विद मेनी एसी सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे एसी के सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं और एक डीसी सिग्नल आ रहा है। इस लाइन को भी बाद में समझाता हूं। वी कैन ऑप्टेन, हम करना क्या चाहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, वी कैन ऑप्टेन डीसी वोल्टेज बाय फिल्टरिंग आउट द एसी कंपोनेंट्स एंड टू सिंपलेस्ट फिल्टर सर्किट्स आर। आप एक चीज नोट करें, आपको क्या सप्लाई चाहिए, आपको ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए। कॉन्स्टेंट सप्लाई के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये साइकिल आ रहे हैं, आप इमेजिन करें कि जैसे बहुत सारे एसी के सिग्नल सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ये देखो बहुत सारे एसी के सिग्नल सुपर इम्पोज हो रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो सुपर पोजिशन है, जो मैंने कहा ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो सुपर पोजिशन है आप इसे रिमूव कर दें कि ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है, ताकि क्या आ जाए, एक कॉन्स्टेंट सप्लाई बाहर आ जाए, और इस कॉन्स्टेंट सप्लाई को क्या बोलते हैं, डीसी। क्लियर है यहां तक, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि सुपर पोजिशन होती जा रही है इन नंबर ऑफ सिग्नल्स की, इसलिए वो सिग्नल जो आउटपुट हमने दिया वो ऐसा था, ऐसा लगता था जैसे इधर देखते हैं वो कुछ इस तरीके से था, ऐसे था, ऐसा लगता है कि जैसे सिग्नल आया अभी कम ही हुआ था फिर इंक्रीज हो गया, अभी कम हो रहा था जीरो नहीं हुआ फिर इंक्रीज हो रहा। तो इसका मतलब बहुत सारे सिग्नल्स हैं, और इसका अगर मैं टॉप की वैल्यू निकालूं, बिल्कुल टॉप 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 की वैल्यू, बाकी सब फिल्टर कर देता हूं, तो एक कॉन्स्टेंट सप्लाई को बाहर निकाला जा सकता है। ये बेसिकली फिल्टर्स का काम है। तो रेक्टिफायर अकेला काम नहीं कर पाएगा, आगे क्या लगाने पड़ेंगे, फिल्टर्स। तो फिल्टर्स दो टाइप के हैं। पहले टाइप का फिल्टर इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर नाम इसलिए क्योंकि ये रेक्टिफायर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, दो डायोड्स हैं, ये आउटपुट है, आउटपुट यहां बनाओ यहां बनाओ, जहां मर्जी बना लिया उसने, मान लो यहां बना लिया, बस ये याद रहे आउटपुट के साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया, बस कुछ नहीं है, वही सेम डायग्राम रेक्टिफायर का, बस आर आउटपुट के साथ एक एल लगा दो इंडक्टर, बस मतलब आउटपुट ऐसे नहीं मिलनी, इंडक्टर में पहले पास करो आउटपुट फिर बाहर निकलेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा क्योंकि जब इंडक्टर की बात करते हो, राइट, जब आपका कोई भी इंडक्टर है, किसी भी इंडक्टर के अंदर क्या होगा, XL होगा, क्योंकि इंडक्टर की बात करते हो तो XL तो होगा ही होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और
इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर जो ऑफर करेगा वो क्या क्या करेगा, 2π × फ्रीक्वेंसी। अगर आप पीछे से मान लो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टर बहुत ज़्यादा क्या ऑफर कर देगा, XL। और अगर XL ज़्यादा होगा तो यानी कि इंड्यूस EMF को डेवलप करके आपकी जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या सिग्नल है उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा और आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास नहीं होने देगा। ऑब्वियसली फिल्टर है ना, जैसी एकदम फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाती है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एक्सएल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और आपके सिग्नल को एकदम ब्लॉक करेगा। कांस्टेंट सप्लाई को कुछ नहीं कहेगा कि अगर कांस्टेंट सप्लाई आ रही है तो एक्सएल का कोई काम नहीं, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है उसमें, जीरो। पर अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो गई एफ, तो फिर उस केस में एक्सएल अपना काम करेगा और इंडक्टर क्या करेगा, आपके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और कांस्टेंट सप्लाई को जाने देगा। तो इस तरीके से आप हाई इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर बाई चांस पीछे से आता है उसको आप रोक सकते हो ताकि आपकी मशीन खराब ना हो और आपको कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे। लेकिन बाय चांस अगर, और अगर मान लो पीछे से फ्रीक्वेंसी क्या आती है, कम हो जाती है, ज्यादा की बजाय अगर कम हो, देखो अगर कांस्टेंट आती है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, पर आती नहीं ना, पीछे से कभी ज्यादा आ जाती है कभी कम आ जाती है। अगर पीछे से फ्रीक्वेंसी कम आती है फिर आप सीरीज की बजाय पैरेलल में रजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगाओ, फिर आप सीरीज में रजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगाओ, वो कैपेसिटर क्या करेगा, वो बाकी रेक्टिफायर है। अगर मान लो कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या ऑफर करता है, 1/C ओमेगा, यानी कि 1/C × 2π × फ्रीक्वेंसी। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी आती है तो एक्सेसी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सेसी इनफाइनाइट तक चला जाता है। कहने का मतलब इतनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, लेकिन कांस्टेंट सप्लाई को पास होने देगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी लो होगी तभी एक्सेसी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसको पास होने देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अगर पीछे से सिग्नल कांस्टेंट सप्लाई का आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर लो फ्रीक्वेंसी का आया तो आप कैपेसिटर लगा के उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी का आया तो इंडक्टर लगा के ब्लॉक करवा सकते हो, और अगर आप चाहें तो दोनों के दोनों भी यूज कर सकते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ताकि अगर आपको सिग्नल में हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों मिलती हैं तो आप दोनों के दोनों लगा के सिर्फ कांस्टेंट सप्लाई को ही बाहर निकाल सकते हैं। तो ये फायदा है आपके इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने का। तो अगर आप इंडक्टर लगाते हैं तो फिल्टर का नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, और अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो उसको शंट कैपेसिटर बोलते हैं, बिकॉज कैपेसिटर किसके साथ कनेक्टेड, आउटपुट के साथ, पैरेलल में, सीरीज की बजाय, शंट का मतलब पैरेलल है। तो इसको लिखना कैसे है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर के अंदर ये फिगर सीरीज इंडक्टर शो करता है विद लोड रेजिस्टेंस ऑफ RL, इंडक्टेंस L लगाई, ऑफर्स अ रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π × फ्रीक्वेंसी टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, तो इसमें करंट फ्लो होगा क्लियरली, इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट को क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा, एंड अलाउज लो फ्रीक्वेंसी DC कंपोनेंट टू पास थ्रू इट। तो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए कौन हेल्प करेगा, सीरीज इंडक्टर करेगा। शंट कैपेसिटर क्या करेगा, शंट कैपेसिटर के अंदर XC लगेगा, अ हाई कैपेसिटेंस C ऑफर्स अ लो इंपीडेंस पाथ टू अ हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट बट हाई ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इंपीडेंस टू लो फ्रीक्वेंसी DC कंपोनेंट। तो लो फ्रीक्वेंसी को DC को क्या करेगा, ये बहुत हाई XC जो है ऑफर करेगा ऑलमोस्ट इनफाइनाइट और से ब्लॉक कर लेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। हेंस AC कंपोनेंट इज बाईपास थ्रू कैपेसिटर और फिल्टर्ड, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन करना। स्मूथ DC वोल्टेज अपीयर्स एज अ लोड रेजिस्टेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंडक्टर लगाते हो और कैपेसिटर लगाते हो ताकि हाई और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आप ब्लॉक कर सके, ये फिल्टर्स का काम है।